बहुत अंदर तक जला देती हैं, बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयां नहीं होती। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज बुलेटिन में। आप सब कैसे हैं हमें जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर नवाजिएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, और ये बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, आप किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं जरूर बताइएगा। आइए खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे पास पश्चिम बंगाल के शहर आसनसोल से पहली खबर आ रही है। आसनसोल नगर निगम के प्रेक्षागृह में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के तहत स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक और अभिजीत घटक और चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी जैसे लोग मौजूद थे और इन सभी ने प्रोत्साहित किया उन महिलाओं को। कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। আমাদের ডেপুটি মেয়র আছে, আমাদের এনো আছে, মানবদা আছে, ইন্দ্রাণী মিশ্রা আছে, রানা আছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আছেন এবং আপনারা সকলে আছেন। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ রইল। ভালো লাগছে এই কারণেই যে যারা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তাদের মহিলাদের আজকে আমরা সার্টিফিকেট এবং ফাসাই যে লাইসেন্স, এই লাইসেন্স তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারছি। এবং এই সার্টিফিকেট এবং লাইসেন্স থাকলে তারা তাদের বানানো জিনিস যে কোনো জায়গা থেকে তারা মার্কেটিং করতে পারবেন। এবং ফাসাই সার্টিফিকেট থাকলে আপনাদেরকে যে কোয়ালিটি মেনটেন করতে হয় সেই কোয়ালিটিটা আপনাদের মেনটেন করতে হবে। এবং আমাদের মাননীয় মহানাগরিক যে একদিকে তারা সার্টিফিকেট পাচ্ছে যে তারা সিদ্ধ হস্ত এই ফুড অ্যান্ড বেভারেজের কাজে, সাথে সাথে তাদের ফুড লাইসেন্সেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এবং মেয়র সাহেব, ডেপুটি মেয়র সাহেব এটাও ঘোষণা করলেন যে দুটো জায়গা, তিনটে জায়গা বাসস্ট্যান্ডের ওপরে আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েদেরকে দেওয়া হবে, যারা যেখানে নিজেদের বানানো হাতের জিনিস রেখে বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করতে পারবেন, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য, মহিলাদের স্বনির্ভর করা, স্বয়ং সিদ্ধা করা। আসানসোল কর্পোরেশন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সেই পথে এগিয়ে আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর মার্কেটিং, এই ট্রেনিংয়ের যে শংসাপত্র, সেই শংসাপত্র প্রদান এবং একটি প্রদর্শনী, এই ব্যাপারে আমাদের আজকের এই উদ্যোগ। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে আমাদের 50 জন মেয়ে এগিয়ে যাবে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে। তারা এই বিভিন্ন ধরনের কেক নিজেরা তৈরি করেছেন, শিখেছেন, 3 মাস ধরে একটি কোর্স করানো হয়েছিল NULM সুরার পক্ষ থেকে, এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আজকে যে ডিসপ্লে বা প্রদর্শনী করা হয়েছে সেটি।
कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष पद पर सुशोभित हो गए हैं दक्षिण भारतीय मल्लिकार्जुन खड़गे, और इस परिवर्तन को लोग अलग नजर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से अंगड़ाई ले रहा है, एक बार फिर से कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद आज नई दिल्ली में खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। आदरणीय साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से इस विशेष पत्रकार वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि बहुत सारे साथी, बहुत सारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बड़े जोश और उमंग के साथ आज यहां आए हैं, और इसीलिए ये पत्रकार वार्ता लगभग आधा घंटे लेट शुरू हुई, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ा। पर आप भी इस उमंग और जोश के अंदर हमारे बीट के बहुत सारे साथी हैं, आप जुड़ेंगे मुझे विश्वास है। बगैर विलंब के मैं आदरणीय खड़गे साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। आदरणीय खड़गे साहब, शुरू में तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और यहाँ की स्थिति क्या है आपने खुद आंखों से देखा है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई, थोड़ी नहीं एक आधा घंटा देर हुआ, इसीलिए मुझे वक्त पे आपके सामने हाजिर होने का समय नहीं है, तो इसलिए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांग के अपने शब्दों को आगे बढ़ाऊंगा। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से आज आसनसोल में पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के आवास पर एक प्रेस मीट की गई। प्रेस मीट को संबोधित कर रहे थे खुद जितेंद्र तिवारी, और उनके साथ थे इस संगठन के पश्चिम बर्धवान जिले के पदाधिकारी आर के श्रीवास्तव। उन्होंने बताया कि यहां के युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह सही तरह से सेना में अपनी सेवा दे सकें। और भी कई तरह की बातें उन्होंने बताई, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है कर्नल आर के श्रीवास्तव जी, ये पूर्व जो सैनिक हैं हमारे देश के, उनका जो संगठन है उस संगठन की पश्चिम बंगाल की जो शाखा है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नल आर के श्रीवास्तव जी। वो अपने संगठन के बारे में कुछ बात आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के लोगों के माध्यम से आसनसोल की जनता को, पश्चिम बर्धवान की जनता को कहना चाहते हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से आया हूं, और जब से ये बर्धवान का जब से दो हिस्सा हुआ है और ये पश्चिमी बर्धवान बना है, तब से यहाँ पर हमारे जो सैनिक लोग हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके जितने भी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ कुछ नहीं था। और बहुत सारे फीडबैक सर के पास, क्योंकि ये राजनीतिक है और ये सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी हैं, तो कई लोगों ने सर को कई रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास एक ऐसी संगठन होनी चाहिए जो हमारे रोजमर्रे की प्रॉब्लम को, रोजमर्रे की समस्याओं को देखभाल करे। और इन्होंने एक डेढ़ महीना पहले हम लोग को कलकत्ते में कॉन्टेक्ट किया कि आप लोग आइए और यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है, शाखा है, उसको। तो सबसे पहले बता दूँ, हमारा दो लाइन में नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, मतलब देश सबसे पहले, देश देश पहले, और उसके बाद यहाँ पर जो साफ सुथरे चरित्र वाले लोग हैं उन्हीं के साथ हम लोग जुड़ सकते हैं, और हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे। हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है और इसका मकसद तीन है। सबसे पहले है सेवा, दूसरा है साहस, और तीसरा है सम्मान। तो सेवा किसका? देश का सेवा। किसके थ्रू सेवा? हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, या जो भूतपूर्व सैनिक होता नहीं, अभूतपूर्व सैनिक होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके आता है, उसके अंदर
बहुत सारी क्षमताएं होती है उसको लेके आता है, और वो यहाँ पर जैसा कि माननीय जितेंद्र तिवारी साहब ने बताया, इनके इलाके में बहुत सारे पिछड़े वर्ग है, कई गांव ऐसे हैं जो हमारे कई लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उसको गोद दिया था लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, तो हमारे ट्राइबल लोग हैं ये लोग हैं, तो उनके परिवारों में जो हमारे सैनिक लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक लोग हैं। केंद्र सरकार हाईवे को हेलीपैड से जोड़ना चाह रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक विमानन मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाईवे को नए सिरे से संवारने का काम किया जाना चाहिए और इसके साथ ही हम तमाम हाईवे को जोड़ना चाहते हैं हेलीपैड से, ताकि कोई भी सड़क दुर्घटना होने पर 20 मिनट के अंदर मरीज को, घायल को पहुँचाया जा सके अस्पताल तक। और इस तरह की बातें उन्होंने कहीं, और भी क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। क्रिएटिंग अ फुल नेटवर्क ऑफ एयरलाइन एंड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। नाउ अलोंग विद दैट एयरलाइन एंड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ऑल्सो कम्स न्यू एरियाज, एरियाज सच एज हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स आई बिलीव आर एसेंशियल टू प्रोवाइड दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसी के साथ जो अभी जनरल साहब ने कहा, हेम्स हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो मनुष्य के पास 1 घंटे का समय होता है जान बचाने के लिए। तो हमारी कोशिश है कि हाईवेज पे हम लोग हेलीपैड्स बनाएं, ताकि इवैक्यूएशन, अगर भगवान न करे पर घटना हो जाए, तो इवैक्यूएशन इमीडिएट हो पाए। और उसकी शुरुआत हम लोग एम्स ऋषिकेश के साथ कर रहे हैं। द बिगनिंग विल बी इन एम्स ऋषिकेश, वेयर इन 150 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस 1 हेलीकॉप्टर विल बी पोजिशनड anywhere along the highway in that 150 square kilometer radius will be able to evacuate within 15 to 20 minutes. To iski shuruaat ho chuki hai, ministry of road transport ke sath hum logon ki charcha hui hai ki jo naye highway ban rahe, all the new highways should have helipads sprung along it so that infrastructure is in place.